1932 खतियानी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली और मुखरता से अपनी बातों को रखने वाली गीता श्री उरांव हमारे साथ है, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं। मैडम, काफ़ी लंबे समय से आप इस लड़ाई को लड़ रही हैं, क्या कुछ कितना आपको इस चीज़ में अगर सफलता की बात करें तो मिल पाया है? देखिए, हम लोग सतत अपने रास्ते पे चल रहे हैं। जो आंदोलन खड़ा हुआ भाषाई अतिक्रमण के नाम पे, वो अब खतियानी जो है उस मुद्दे पे भी जुड़ गया है कि खतियान आधारित हमें स्थानीय नीति चाहिए। साथ ही साथ जो है नियोजन नीति भी आती है, भाषा नीति, क्योंकि भाषा नीति नहीं होने के चलते ही ये भाषा अतिक्रमण हो पाया हमारे इस राज्य में। और साथ ही साथ मैं कहना जोड़ना चाहूँगी उद्योग नीति, क्योंकि 16 तरह के जो खनिज पदार्थ का एक राज्य है हमारा, जो 21 वर्षों में अगर सही तरह से राजस्व की प्राप्ति अगर सरकारी खजाने को होती तो इतने वर्षों में निश्चित रूप से हमारा ये राज्य आत्मनिर्भर होता और हमें कभी भी केंद्र के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करना पड़ता फंड के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि ये हमारे राज्य की विडंबना है कि ये सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ मतलब जो खनिज संपदा से संपन्न होने के बावजूद भी, जितने भी उद्योग लगे, जितना भी सारा कुछ हुआ, जिसके लिए उदाहरण के तौर पे मैं HEC का नाम लेना चाहूँगी, आर्मी के लिए, रेलवेज के लिए, या BCCL के लिए, सेल के लिए, या फिर जो ऐसे बहुत सारे कोल ब्लॉक्स जो खुलते हैं उसके लिए ज़मीनों का अधिग्रहण तो किया जाता है, मगर स्थानीय लोगों को किस तरह से उनको सुरक्षित किए जाएंगे, उनके अधिकार पुनर्वास के नीति के अंतर्गत, ये कभी भी सरकार ने इस पे ना विचार किया ना उसको, मतलब वो एक बार अधिग्रहण कर लिया, कुछ मुआवजा दे दिया, फिर अपने किस्मत पे लोग रह गए। यहाँ पर पलायन की बहुत जो करते हुए लोग नज़र आए, सब कुछ हमारे राज्य में है, मगर लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा। अब देखिए, सीजनल माइग्रेशन हर साल होता है, जो यहाँ पर कुछ दिन अपने खेतों में काम किए फिर कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, दर दर भटक रहे हैं इतनी दूर। और जो कोरोना काल में जिस तरह की जो दुर्गति हुई हमारे लोगों को, और पहली बार आंकड़े आए कि 20 लाख के तकरीबन लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, और उनकी क्या स्थिति है, मतलब अपने घर से बेघर होके रहना कहीं पर, क्या कष्ट झेलते होंगे लोग, हम लोग समझ सकते हैं। मतलब मात्र 12-13 हज़ार या 16-15 हज़ार कमाने के लिए अपने लोगों से दूर रह के ये सब करना पड़ता है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे लोगों ने इस 21 वर्ष तक झेला। लोग तो महसूस कहीं ना कहीं से सभी कर रहे थे, जो जिनको जानकारी नहीं भी है, मगर अब जाके पता चला कि इस राज्य में आज तक झारखंडी कौन, स्थानीय नीति भी अभी तक परिभाषित नहीं हो पाई है। 21 वर्ष हो गए हैं और स्थानीय नीति को जो है एक बार 2002 में जो स्टे ऑर्डर लगा, और स्टे ऑर्डर लगाने वाले कौन व्यक्ति थे, राजीव रंजन मिश्र, बक्सर के निवासी, बिहार जो राज्य उनका पड़ता है, और आज वही महाशय जो हैं महाधिवक्ता बने बैठे हैं, यानी सरकार के कानूनी सलाहकार। और इस तरह के ऐसे अजीब अजीब फैसले हमारे राज्य में जो आए पिछले 2021 के अंत से लेके 2022 के शुरुआती महीने में भी, कि लगा कि सब कुछ छिन भिन हो गया। जिन अधिकारों को लेके कि झारखंडी कौन, उनके अधिकार किस तरह से सुरक्षित होंगे, और नियोजन में उसकी क्या, उसको अर्हता मतलब प्राथमिकता मिलेगी, ये सारी बातें बहुत ही मतलब बेमानी सी नज़र आई। और जो प्रवासियों के लिए यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, राज्य सरकार की पॉलिसी में पूरी तरह से बदलाव होना चाहिए। बहुत गलत फैसले लिए गए सरकार के द्वारा, जहाँ हेमंत सोरेन जी ने 2019 में जो सारे मैनिफेस्टो के द्वारा जो जनता से वादे किए थे, सबसे पहले तो 1932 का खतियान, मगर अब जब ये सारा आंदोलन खड़ा होता है तो बोलते हैं कि खतियान पे तो आधारित नियोजन नीति भी नहीं बन सकती है, तो अब स्थानीय नीति की क्या बात करते हैं। तो इस तरह के जो बयान जो हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखदाई है, निंदनीय है, और ये सारे जो है सब कुछ जो है हम लोगों को और ज़्यादा ठेल रहा है कि आंदोलन हम लोग करें, क्योंकि जितने भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर रही, दो हमारी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, BJP और कांग्रेस, और जो क्षेत्रीय में आपका JMM और जो आजसू का जो यहाँ पर समय समय पर जो अपना यहाँ पर शासन में रहा है अपना दखल,
तो इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया गया। झारखंडी कौन ये परिभाषित नहीं, उसके प्राथमिकता उसके मतलब उसके अधिकार किस तरह से सुरक्षित किए जाएंगे इस पर अभी कभी तक नहीं हुआ। जब भी स्थानीय नीति की बात हुई तो ये हुआ कि तीसरी और चौथी वर्ग की नौकरी में ही जो उसमें स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। मगर मेरा ये कहना है कि जो सेकंड क्लास की जो सर्विस है जिसमें सिविल सर्विस स्टेट सिविल सर्विस जिसको कहते हैं उसको भी तो सुरक्षित करने की ज़रूरत है। आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, वहाँ पर आपको जो है 1-2% से ज़्यादा बाहरी लोगों को आप स्टेट सर्विस में नहीं देखते हैं, मगर यहाँ पर तो 50% तक भी लोग आवेदन करते हैं। तो यहाँ पर हर तरह की नौकरी में, अब तो स्टेट सर्विस में हम लोग देख ही रहे थे, अब तो 3rd-4th grade में भी जिस तरह से यहाँ पर रास्ते खोल दिए गए हैं, क्योंकि 5वीं अनुसूची का एक राज्य है जिसमें 13 जिला जो है फुली नोटिफाइड रहे हैं, उसमें एक PIL के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय का जो आदेश आया 19 जनवरी 2022 को कि अब जो है ये तीसरी चौथी वर्ग की नौकरी में स्थानीय को प्राथमिकता ख़त्म की जाए। तो यानी आपने तो सारे दरवाजे बाहरियों के लिए खोल दिए। यहाँ तो भाषा अतिक्रमण का क्षेत्रीय बना के उसमें कर ही दिया 10वीं और 12वीं बोर्ड में। तमाम विरोध के बावजूद, इतने आंदोलन के बावजूद भी मैथिली को जो है 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। मतलब किस तरह से हमारे जन भावनाओं का अपमान किया जाता रहा है। इतने दिन तक तो हाशिए में ही रहे हम लोग, और जब इतने आंदोलन का क्या मतलब था कि हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा मान सम्मान हमें दिया जाए। अच्छा, एक सवाल उठता है, अगर मुख्यमंत्री के जगह पे आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे बना दिया है तो निश्चित रूप से जो संवैधानिक रूप से और मौलिक रूप से जो हमारा जो अपना झारखंडियों का अधिकार है, जो स्थानीय नीति, वो परिभाषित सबसे पहले होगी, और फिर उसके अधिकार किस तरह से हम लोग सुरक्षित करेंगे नियोजन में, ये सारी बातें उसमें आएगी। भाषा नीति बनाना बहुत ज़रूरी है कि 9 झारखंडी भाषा जो है, जिसके जरिए, जिसके नहीं होने के चलते ये सारा अतिक्रमण हुआ, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। और जो सिर्फ सिर्फ 9 झारखंडी भाषा को संरक्षण और संवर्धन का यहाँ पर मौका मिले, और साथ ही साथ जो उद्योग नीति और जो विस्थापन और पुनर्वास की नीति पे भी तत्काल प्रभाव से इस पे सारा काम करना होगा। अगर आप मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो आप सीधा सीधा 1932 लागू कर देंगे, आपका कहना ये? नहीं, 1932 तो ठीक है, 1932 में भी सर्वे सेटलमेंट जो सर्वे हुआ था सेटलमेंट का, मगर अगर हम देखते हैं हकीकत में तो उसके पहले भी हुआ है और उसके बाद में भी हुआ है, 1932 के बाद में भी हुआ है। तो जो हमारा जो खतियान आधारित हो, मतलब जिस भी कालखंड में जिस भी जगह पे हुआ है, जैसे अलग अलग जिलों में अलग अलग, ऐसे तो बताते हैं विशेषज्ञ कि 1833 से शुरू हुआ है, संथाल प्रगना से शुरू हुआ था, और वो अलग अलग कालखंड में जो है ये सर्वे सेटलमेंट चलता रहा। तो इसीलिए कोई एक निश्चित समय तो है ही नहीं, तो लास्ट सर्वे जो है हमारा ये होना चाहिए कि खतियान बेस्ड ही होना चाहिए। खतियान बेस्ड ही जो है हमारा स्थानीय जो है झारखंडी जो उसको उसका पहचान मिलेगा, बस वही बात है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री अगर इसमें अगर निर्णय लेते, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम लोग स्थानीय नीति पे खतियान पे आधारित अगर नियोजन नीति बनाएंगे तो वो कोर्ट केस हो जाएगा, ये बिल्कुल उनका सोचना गलत है। 93rd Amendment, मैंने उनको भी कहा है, अर्जुन मुंडा जी से भी इसका मैंने उदाहरण दिया है कि 93rd Amendment के आधार पे अगर कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य हित में अगर कोई भी फैसला लेती है तो कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, बस वो हित में लेने की मंशा अपनी बनाए। तो ये सारे चीज़ें प्रावधान हैं, ये सरकार क्यों नहीं समझ रही है? निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी जो हैं ऐसे बाहरी लोगों से वो घिरे हुए हैं कि वो अपने सविवेक से कोई निर्णय ही नहीं ले पाते हैं कि जो उनकी पहली जिम्मेदारी है इस राज्य के लोगों के प्रति, उसको ना करके वो घूम फिर के दूसरे तरफ दूसरे फैसले वो लिए जा रहे हैं उनके द्वारा। और जैसे कि आप बोलेंगे कि 13 जिला में जो इस तरह का जो आदेश पारित हुआ, तो मैं इसके बारे में ये कहूँगी कि इसमें जो है मुख्यमंत्री के तरफ से कोई जवाब दाखिल होना चाहिए था। हाईकोर्ट सब मनमानी नहीं कर सकता है, वो जो हमारा 5वीं अनुसूची के राज्य में जो ये ताना बाना एक सुरक्षा कवच बना के दिया गया है, इसमें छेड़छाड़ करने के लिए किसी को अधिकार नहीं है। संविधान के जो 244 आर्टिकल में जो ये सारा कुछ है, ये 5वीं अनुसूची में जो
ये आंशिक और पूर्णतः जो अनुसूचित क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर का व्यवस्था और शासन जो है वो अलग तरीके से होगा। तो इस तरह का ताना बाना तोड़ने का कोई वो नहीं है। आप देखिए पोखर टोली वाला जो मामला हुआ हुंडरू मौजा का किस तरह से हमारे अपने सामाजिक धार्मिक पारंपरिक व्यवस्थाएं की ज़मीन जो हैं उन पे अतिक्रमण हो रहा है, और वहाँ पर जो हाई कोर्ट बिल्कुल भी हमारे विरुद्ध जाके जो हमारे समाज के विरुद्ध जाके वहाँ पर फैसला लेते हैं। अभी आपका जो हुआ ये घाघरा बड़ा घाघरा में जो बड़े ही दुखदाई घटना घटी वहाँ पर कि रैयतों का जो है घर तोड़ा गया जिस घर में शादी थी, जबकि अगर नोटिस भी निकलता है हाईकोर्ट का नोटिस भी निकला था 31 मार्च को, तो उसके बाद एक महीने का समय होता है, मगर यहाँ पर आनन फानन में जिस तरह से ये सारा काम किया गया यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जो है हस्तक्षेप निश्चित रूप से कर सकते थे, और मगर उन्होंने बिल्कुल ही अपनी अभिन्नता इसमें दर्शाई। तो ये सारा जो असंवेदनशील जो हम लोग इनका पक्ष और ये इनका चेहरा जो देख रहे हैं बहुत दुखदाई है। ये इस तरह का आप ही के आंदोलन में जुड़े हुए जगन्नाथ महतो जो इसी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जयराम महतो वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपके शिक्षा मंत्री हो गए जगन्नाथ महतो, उनका कहना है कि वो बीजेपी के एजेंट है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, ये बात हम लोग भी सुन रहे थे, और जब मुख्यमंत्री उन्होंने ये बात जब कही थी सदन में ही कही थी कि भाजपा प्रायोजित ये सारा आंदोलन है, तो उस समय हमें सुन के बहुत ख़राब लगा था। जगन्नाथ महतो का बयान आया है कि वो बीजेपी एजेंट है। हाँ, ये इसके प्रमाण भी मिल चुके हैं। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि यूँ ही बातें हैं, कुछ गतिविधियों पर तो हमारा भी ध्यान जा रहा था, मगर कुछ तस्वीरें ऐसी मिल गई हैं जो इस बात का प्रमाण है कि उनका बीजेपी और आजसू के जो उनके जो अपने कैडर हैं उनके साथ उनका बहुत उठना बैठना है, उनके साथ ही चलना फिरना है। जबकि अगर आप देखें उनको, अगर आपने क्लोजली वॉच किया उनका मूवमेंट, तो उसमें पाएंगे कि वो आम जनता से या बाकी लोगों से मिलना जुलना घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, मगर जो साथ में लोग रह रहे हैं वो उनकी जो तस्वीरें आई हैं वो निश्चित रूप से वो बीजेपी और आजसू का ही लोगों कैडर के लोगों का है। मतलब जयराम महतो 1932 खतियान में जो लगे हुए हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की भूमिका अदा कर रहे हैं, ऐसा कहना आप? हाँ, ये तो अब तस्वीरों को तो देख के तो ऐसे ही लग रहा है, जब वो राज्यपाल के भी पास गए थे, और जबकि उससे पहले दुगदा में जो मीटिंग हुई थी तो बेसरा सर ने, सूर्य सिंह बेसरा जी ने बिल्कुल उनको आमंत्रित किया था उस मीटिंग में, जो उसी दिन जो वो मीटिंग हो रही थी, मेरे ख्याल से शायद 30 तारीख था, 30 मार्च की बात है, और उन्होंने वहीं पर कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें ये बाइट में अपना कह दिया कि नहीं मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। और जो तस्वीरों में वो सारे आजसू और बीजेपी वाले ही उनके अगल बगल खड़े नज़र आए, अंदर की भी जो तस्वीरें नज़र आई उसमें भी वही इंगित हुआ कि उनका भाजपा और आजसू के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसलिए वो बाकियों से नहीं मिलजुल के रहना चाहते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है कहीं ना कहीं जोड़ता है कि जब एक तरफ भाजपा जो है, जब भाजपा की सरकार थी अभी पीछे ही पिछले कैबिनेट में ही आप देख लीजिए कि उस समय किस तरह से इन्हीं गैर झारखंडी भाषाओं को, वैसी बोलियों को जिनको बिहार के जहाँ उनका उद्गम स्थल है बिहार में ही उनको मान्यता नहीं है, वहाँ पर लोगों को भी इससे कोई परेशानी नहीं है, उसको जब यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन में जारी किया गया था जिसमें अंगिका को भी जोड़ दिया गया था, तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, और जब 1985 का जो कट ऑफ डेट जो स्थानीय नीति का बनता है जो रघुवर दास जी के समय में, तब ये लड्डू बांटते हैं बीजेपी और आजसू वाले। तो आज जब ये आंदोलन खड़ा हुआ है तो फिर ये लोग इनको इस बात को उछाल रहे हैं, तो ये एक ही साथ दो तरीके के चेहरे जो देखने के लिए मिलते हैं इनके, तो ये बस परिस्थिति का जो है लाभ उठाने वालों में से हैं, तो इससे जनता का तो कोई कभी भी लाभ नहीं होने वाला है। यही हम लोग ने देखा इस आंदोलन में, बहुत कुछ देखने के लिए मिला। हम लोग तो जयराम को एक नया लड़का जो जिसको हाथों हाथ लोगों ने लिया और सभी उसके प्रशंसक हुए, मगर इस तरह का जो आना वो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो ढकी हुई चीज़ों को भी उजागर कर गया। तो हम तो चाहेंगे कि वो उस घेरे से बाहर निकले, हमारे हर एक युवा, हर एक जो हमारे झारखंडी जो हमारे युवा हैं वो साथ में आए, और एक झारखंड का जो नवनिर्माण की परिस्थिति जो बन गई है 21 साल के काली रात के बाद में, तो सब लोग सहयोग करें उसमें, और अच्छा रहेगा, जितना हम लोग आगे साथ में चलें उतना मजबूती मिलेगी इस आंदोलन को भी। और हम चाहते हैं, हम लोग काट के या बांट के वैसी वाली नहीं,
करेंगे। आपने जिक्र भी किया था कि अभी जो खतियानी झारखंडी पार्टी जो का गठन हुआ था, जिस आनंद फानंद में हुआ था और जिस तरह से मुझे उसमें घसीट लिया गया था, तो मैंने तो तत्काल ही उसमें निर्णय कर लिया था कि जिस तरह से मुझे उसमें शामिल किया गया है वो कहीं से भी सही नहीं है। और मैं क्योंकि बहुत ही सामाजिक किस्म की व्यक्ति हूँ, तो जब आंदोलन में बाकी लोग चल रहे हैं साथ में, तो उनके साथ ही रहना मैंने ज़्यादा पसंद किया। तो ये थी हमारे साथ गीता श्री उरांव जी, जिनका कहना था कि आंदोलन को लेकर वो लगातार इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस आंदोलन को और कितना ठोस संरचना वो दे पाती है। समाचार प्लस के लिए कैमरा पर्सन राजेश तिर्की के साथ नीरज कुमार, रांची।